स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सराहनीय विधेयक है। इस विधेयक को सदन के सभी पक्षों की ओर से समर्थन मिला है। स्टॉप। यदि इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में उन लोगों की सहायता करना है जिन्हें गरीबी तथा अन्य कारणों से न्याय नहीं मिल पाता, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यही समय है जब इस देश की संपूर्ण न्याय प्रणाली पर गंभीरता से विचार करना होगा। स्टॉप। दुर्भाग्य से हमारी स्वतंत्रता के 3 दशकों के बाद भी हमारी न्याय प्रणाली का ढांचा प्राय वही है और इसमें केवल छोटे मोटे सुधार किए गए हैं। स्टॉप। वर्तमान न्याय प्रणाली हमारे समाज के धनी लोगों की ही सहायता करती है, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हों अथवा शहरों में। स्टॉप। भूतपूर्व मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि देश की न्याय प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। स्टॉप। मेरे विचार से इसका कारण यह है कि सरकार इस समय इस बहुत कम प्राथमिकता दे रही है। स्टॉप। जब तक हम अपनी न्याय प्रणाली में सुधार न कर लें, तब तक देश का आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे और न हम सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त कर सकेंगे। पैरा। हमारी वर्तमान प्रणाली बहुत विलंब करने वाली प्रणाली है। स्टॉप। यह बात आम तौर से कही जाती है कि न्याय में देर का अर्थ है न्याय का दिया जाना। स्टॉप। सरकार को दूसरी महत्वपूर्ण बात यह करनी चाहिए कि अपनी जांच पड़ताल व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। हमारी जांच प्रणाली पुरानी है। स्टॉप। अन्य देशों में हत्या के मामले तक की भी जांच पड़ताल की जाती है और यह कार्य लगभग 2 महीनों में पूरा हो जाता है। स्टॉप। हमारे देश में छोटे छोटे मामलों में भी कई वर्ष लग जाते हैं, अतः हमें जांच प्रणाली में सुधार करना चाहिए। स्टॉप। वर्तमान कानून में संशोधन करने का यह उचित समय है। स्टॉप। अंत में मैं कहूंगा कि अब समय आ गया है जब मंत्री महोदय को कम से कम इस विधेयक के बारे में विचार विमर्श करने का आश्वासन देना चाहिए। स्टॉप। आप सभा की एक प्रवर
समिति का गठन कर सकती हैं जो सब पहलुओं पर विचार करें। स्टॉप। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब पहलुओं पर विचार करने के बाद सत्र के दौरान एक उचित विधेयक लाने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इससे समाज के गरीब लोगों तथा पिछड़े वर्गों को न्याय मिल सकेगा। पैरा